बाबा रामदेव के अनशन के ऊपर जो कुछ भी हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद धरना प्रदर्शन किसने किया? बीजेपी ने किया, जाकर के अनशन सत्याग्रह उन्होंने राजघाट पे किया। साध्वी रितंबरा उनके साथ दिखी, वो आपके संघ परिवार की हैं। अशोक सिंघल जाके वहां बैठे और जब उन्होंने उनका पूरा व्यक्तित्व वो आया स्टेटमेंट कि हम इन रामदेव के साथ में खड़े, तो इस बात को पूरा देश कैसे मान ले? उसके बाद आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन उनसे मिलने जाती हैं बाकायदा हरिद्वार। तो ये बात आप जो कह रहे हैं कि हम उनके पीछे नहीं खड़े, कोई मानने को तैयार नहीं है। अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, साध्वी रितंबरा जी उनका भी विश्व हिंदू परिषद का निष्ठा है। मुझे बताइए कि क्या इस देश में आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन तो गई ना मिलने, क्यों नहीं जाएगी? ये हमारा कर्तव्य नहीं है क्या इस देश में? लोकतंत्र अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपने ये कह दिया कि वीएचपी और उसके जो लीडर हैं उनसे हमारा कोई मतलब संबंध नहीं है। ये देखिए, एक पहली बात समझिए, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए कि विश्व हिंदू परिषद एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कि उनके निर्णय वो तय करते हैं जिसके साथ हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं। हाँ, अगर हाँ बिल्कुल ये सच है। मतलब ये स्टेटमेंट जा रहा है कि वीएचपी के साथ बीजेपी का कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध नहीं है। आप देखिए, दोनों अर्थों को जोड़कर मत करिए। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी रामदेव के साथ जितनी साथ में दिखी उतनी अन्ना हजारे के साथ में नहीं दिख रही, क्या बात है? पहली बात, हम अन्ना हजारे जी के आंदोलन में भी हमारी सहानुभूति थी, शुभेच्छाएं थी। रामदेव बाबा के भी आंदोलन के बारे में हमारी शुभेच्छाएं थी, हमारी सहानुभूति थी। हम दोनों जगह पर क्रियाशील रूप से न कहीं गए थे, न हमने हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था। एक बात जरूर थी कि जिस बात के लिए दोनों कार्य का आंदोलन कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार मिटाने का कार्यक्रम हो या विदेशी धन वापस लाने का हो, दोनों बातों को हमारा समर्थन था। हम कब आए इसमें आप देखिए, जिस दिन रामलीला मैदान पर रात को निहत्ते लोगों पर जिस प्रकार से पिटाई गई, अब ये स्थिति जब कोई लोकतंत्र में होती है, मेरी बात तो छोड़ो, अमरीका की सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान के काम में हस्तक्षेप हमको करना नहीं है, पर जो कुछ हुआ वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी दुनिया ने भर्सना की है, और ऐसे समय अगर भर्सना करके अगर इस घटना के खिलाफ अगर हम राजघाट पर बैठते हैं तो इसमें क्या हमने गलत किया? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रामदेव बाबा ने कांग्रेस या सरकार के साथ डील कर रहे थे तो वो क्या डील थी, और लोग ये पूछ रहे कि रामदेव बाबा और बीजेपी के अंदर क्या डील है? देखो, हमारी और रामदेव बाबा की डील अगर कोई है तो जो कोई मायका लाल हो कांग्रेस में बैठा हो, वो उसके बाद सीबीआई है, सीआईडी है, ये सब कांग्रेस ब्यूरो को अब इन्वेस्टिगेशन ही है, इनकी कंपनियां सब अगर होगी तो जाहिर करें कि रामदेव बाबा को अड़चन में लाने के लिए और उस आंदोलन के बारे में ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय बीजेपी इस कहने के लिए जानबूझकर गलत प्रचार करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है, और वो कह रहे हैं किस तरीके की बातें आ रही है मीडिया में कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उनके पतंजलि ट्रस्ट पर और उनके उनके जो पार्टनर हैं आचार्य बालकृष्ण पर, और जिस तरीके की बातें आ रही हैं मीडिया में सामने आ रही हैं कि इतने 1700 या 1800 करोड़ का एम्पायर और ये और वो, और साथ में फर्जी पासपोर्ट का भी मसला आचार्य बालकृष्ण के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि उनका भी दामन जो है वो बिल्कुल पाक साफ नहीं लगता है? क्यों ये सब बातें आई? ये रामदेव बाबा जब एयरपोर्ट से उतरे तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, और ये इनके साथ चार मंत्री बैठकर उनको इतना आदर से मिलने के लिए क्यों गए? तब कुछ नहीं था। जब रामदेव बाबा का आंदोलन जब भारी पड़ने लगा और मुंह काला हुआ कांग्रेस पार्टी का, अब जब सब ओपन होने लगा, एक्सपोज हो गई पार्टी, तब बैठकर अंदर में झगड़े हुए, तब कोई एक नेता एक बयान देता है, एक सरकार में एक बयान देता, तब ये सब तमाशा खड़ा किया। उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत वो योग विज्ञान का आयुर्वेद का प्रसार करते, दवाइयां तैयार करते, योग प्रशिक्षण देते, लाखों लोग उनके यहां जाते। लालू यादव उनको कॉरपोरेट बाबा बोल रहे हैं। लालू यादव का छोड़ दीजिए ना, लालू यादव को क्या रिएक्ट करना चाहिए? अगर ये चारा खाने वाला है, जिसने अपने जिंदगी में चारा खाया उसमें भ्रष्टाचार किया, आप मानते हैं कि वो बाबा का कॉरपोरेट फेस है? देखो, लालू यादव का दुख ऐसा है कि बाबा यादव है और लालू यादव जी की भी ताकत यादव समाज में है, तो ये आज बाबा को जो पीटा गया उससे मुझे बहुत लोग मिले, यादव समाज के भी लोग मिले, वो बड़े नाराज है, और यादव समाज के लोग अब बाबा के साथ जा रहे हैं इसके बारे में, इसके लिए शायद लालू यादव दुख, क्योंकि इनकी जात पर राजनीति चलती है। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की राजनीति यादव के भरोसे है,
अब ये तीसरा यादव एक पावरफुल तैयार हो गया लोगों में जिसका मान सम्मान है, तो शायद वो उनका दुख का विषय हो सकता है।